नमस्कार, मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। आज हम बच्चों और युवाओं से कुछ बात करना चाहेंगे अध्ययन के बारे में, स्टडी कैसे की जाए। इस विषय पर आगे और भी वीडियोस मैं बनाऊंगा। तो आज हम देखते हैं कि अध्ययन आखिर है क्या, यानी अध्ययन या स्टडी कहते किसे। तो इसका सीधा साधा अर्थ जो हम आमतौर पर समझते हैं वो ये है कि पढ़ना। लेकिन अगर हम इसके व्यापक अर्थों में जाएं तो स्टडी करने का मतलब या अध्ययन करने का मतलब केवल किताबें पढ़ने से नहीं होता। आप किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। आप जो डॉग लवर्स हैं वो डॉग के बिहेवियर का अध्ययन कर सकते हैं। जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो इन्वायरमेंट का या पर्यावरण का अध्ययन कर सकते हैं। हो सकता है हम इसे पर्यवेक्षण कहें, लेकिन मूलतः ये अध्ययन करना ही है, ये स्टडी करना ही है। तो अगर इसकी व्यापकता की बात करें तो अध्ययन का अर्थ हो जाता है किसी बात के बारे में जानना, किसी विषय के बारे में जानना। तो ये बात अलग है कि हम उसको देख कर जान रहे हैं या किसी पुस्तक के माध्यम से जान रहे हैं या सुनकर जान रहे हैं, ये एक अलग विषय है। तो अगर इस दृष्टि से हम देखें तो हम हर समय अध्ययन कर रहे हैं, चाहे वो अध्ययन कान से हो रहा हो यानी सुनकर हो रहा हो, या आँखों के माध्यम से हो रहा हो अर्थात देख कर हो रहा हो। तो जनरली सामान्य तौर पर अध्ययन के जो तरीके हम यूज़ करते हैं, जो हमारी मदद करते हैं तरीके, वो कुछ ऐसे हो सकते हैं। आप इसके अलावा भी बता सकते हैं, जैसे देखना यानी देख कर स्टडी करना, सुनना सुनकर स्टडी करना, पढ़ना, ये तो बहुत कॉमन है, पढ़कर स्टडी करना, यानी पढ़ना अलग है और स्टडी करना अलग है, सीखना, सोचना, समझना, लिखना, ये सब माध्यम हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम अध्ययन या स्टडी करते हैं। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं हमारा कोई भी वो काम जिसमें हमारा दिमाग काम करता है, जिसमें हमारा मस्तिष्क शामिल है, वो एक प्रकार से हमारे अध्ययन की या स्टडी की एक्टिविटी या गतिविधि बन जाता है। जैसे देखते हुए अगर हम अगर हमारा दिमाग काम कर रहा, अगर हम सीख रहे हैं तो वो देखने के माध्यम से अध्ययन है। सुन रहे हैं, हम कोई ऑडियो सुन रहे हैं और उसके माध्यम से हम कुछ सीख रहे हैं, तो इसका मतलब हम सुन करके स्टडी कर रहे हैं। अगर किसी हम पुस्तक को पढ़ रहे हैं, अध्ययन अध्ययन यानी हर पढ़ना अध्ययन नहीं होता। पढ़कर अगर हम कुछ सीख रहे हैं तब वो अध्ययन होगा, वरना फिर देर इज अ डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड स्टडिंग। तो सोचना भी एक प्रक्रिया है सीखने की। अगर हम सोच करके, जिसको कभी कभी हम कहते हैं पढ़ो फिर सोचो, मनन करो, तो वो भी एक स्टडी करने का तरीका। लिख करके कर रहे हैं तो वो भी स्टडी करने का तरीका। तो डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पुस्तक पढ़कर ही अध्ययन किया जाए, अध्ययन कई तरीके से हो सकता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी हम अध्ययन करें और अगर हम ये सोच लें कि हम ये अध्ययन या स्टडी क्यों कर रहे हैं, तो फिर हमको अपने लक्ष्य पाने में आसानी ज़रूर होगी। क्योंकि अध्ययन करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। अगर मान लीजिए बुक को ही लें, एक ही बुक है, अलग अलग व्यक्ति अगर उसको पढ़ते हैं तो उनके उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। अगर हम किसी पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो उसको कैसे पढ़ें, उसको स्टडी कैसे करें, तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। उदाहरण के लिए अगर हम कालजयी उपन्यासकार, अमर कथाकार प्रेमचंद की बात करें, अगर कोई व्यक्ति उनका उपन्यास पढ़ रहा, तो पढ़ने वाले कई हो सकते हैं। मान लीजिए कोई साहित्य का विद्यार्थी है, वो प्रेमचंद का कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो उनका उद्देश्य कुछ अलग होगा। यदि कोई विज्ञान का विद्यार्थी प्रेमचंद के उपन्यास को पढ़ रहे हैं तो उनका उद्देश्य तो केवल मनोरंजन होगा। जबकि जो हमने पिछला उदाहरण देखा, जो साहित्य का विद्यार्थी है वो तो समीक्षात्मक दृष्टिकोण से पढ़ेगा उसमें, क्योंकि उनके पाठ्यक्रम में शामिल है, तो वो उपन्यास को उपन्यास की तरह नहीं पढ़ेगा, वो उसका उद्देश्य कुछ और होगा कि इसमें क्या सवाल आ सकते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसके पढ़ने का तरीका अलग होगा, और जो मनोरंजन के तरीके से पढ़ रहा है, विज्ञान का कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, तो उसका तौर तरीका अलग होगा। अगर मान लीजिए कोई फिल्म देख रहे हैं हम, एक सामान्य आदमी देख रहा है, तो वो हो सकता है कि वो खाली एंटरटेनमेंट के लिए देखे,
लेकिन अगर कोई फिल्म समीक्षक, कोई क्रिटिक देख रहा, तो उसका देखने का तरीका अलग होगा, क्योंकि उसको ये देखना है कि उसमें फोटोग्राफी कैसी है, उसमें निर्देशन कैसा है, कथानक कैसा है, बहुत चीज़ें देखनी होगी, क्योंकि उनको उसका रिव्यू लिखना है। तो फिर वो व्यक्ति जो रिव्यू करने वाला है या क्रिटिक है, वो अगर फिल्म देख रहा है तो केवल फिल्म को देख नहीं रहा है, फिल्म को पढ़ रहा है। तो ये हम समझ गए कि सीखने के लिए या स्टडी करते समय सबका उद्देश्य अलग अलग होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए सूर्यास्त हो रहा और कोई सामान्य व्यक्ति सूर्यास्त को देख रहा, और वहीं कोई फोटोग्राफर देख रहा है या कोई कलाकार देख रहा है, आप समझ सकते हैं ना, तो दोनों की दृष्टि अलग अलग होगी। सूर्यास्त वही है लेकिन दोनों अलग अलग ढंग से देख रहे हैं। तो वही बात स्टडी करने के बारे में मामले में भी होती है कि सामान्यतः जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे कुछ उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे शुद्ध मनोरंजन, या फिर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, या समझ विकसित करने के लिए। तो अगर हम समझ विकसित करने के लिए पढ़ते हैं तो परीक्षा में तो फिर वो तो बाई प्रोडक्ट है, वहाँ तो नंबर आएंगे ही। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप स्टडी करें तो आपका उद्देश्य आपको क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। और अगर हम तोते की तरह पढ़ेंगे, तोता अगर किसी, मान लीजिए ऐसे व्यक्ति क्या रहता है जो बहुत गाली गलौज करते हैं, तो वो सुबह उठते ही गाली बकना शुरू करेगा। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो धार्मिक है, सुबह उठते ही पूजा पाठ करता है, तो तोता भी उठ के सुबह से ही पूजा पाठ वाली बातें शुरू कर देगा। लेकिन तोते को ना पहली स्थिति में पता है कि वो क्या कह रहे हैं, ना दूसरी स्थिति में पता है कि वो क्या कह रहे हैं। इसीलिए हम कभी कभी विज्ञान ये स्टडी की इस प्रक्रिया को तोता रटंत कहते हैं, इसका कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए जब भी पढ़िए समझ विकसित करने के लिए पढ़िए, केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए नहीं। अगर समझ विकसित करने के लिए करेंगे तो परीक्षा में तो नंबर अच्छे आएंगे ही। एक बात और है, समझ विकसित करने के लिए पढ़ने वाले जनरली वो रीडर्स होते हैं, वो पाठक होते हैं, जिनके मन में कोई परीक्षा की बात नहीं होती, फिर भी वो पढ़ते हैं ताकि वो अपने समय का समुचित उपयोग कर सकें, अपने ज्ञान में निरंतर वृद्धि कर सकें, अपने मस्तिष्क को तरोताज़ा कर रखें। मस्तिष्क का सीधा सा फंडा है, यूज़ इट और लूज़ इट। कुछ दिन तक अगर आप दिमाग का प्रयोग नहीं करेंगे फिर दिमाग काम करना बंद कर देगा। इसलिए एक प्रकार की ये दिमागी कसरत भी है, और अगर इस प्रकार से पढ़ते हैं तो जीवन के बारे में अपनी समझ भी बना सकते हैं। और इस प्रकार से एक बुद्धिजीवी वर्ग तैयार होता है, और बुद्धिजीवी वर्ग तभी तैयार होता है जब वो स्टडी इसलिए करते हैं कि उनको समझ विकसित करना है। ठीक, तो पहली बात आज हम यहाँ अपनी बात समाप्त करने से पहले अंत में केवल इतना करेंगे कि जो भी युवा और जो बच्चे, जो विद्यार्थी आज मुझे देख रहे हैं, जब भी आप पढ़ने बैठें तो पढ़ने से पहले आपके मस्तिष्क में एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि आप जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं ये क्यों करने जा रहे हैं। ये बात अगर आप भूलेंगे नहीं तो बेहतर परिणाम निश्चित रूप से आएंगे। आज यहीं तक। यदि आपको मेरी ये चर्चा पसंद आई हो, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब न किया हो तो इसे कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मेरे वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएं। आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।